हेलो फ्रेंड्स दिस इज मधु एंड वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल एम विद मधु दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर फिफ्थ जो ये हम सीरीज़ कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की ये उसका प्रैक्टिस सेट फिफ्थ है इससे पहले चार प्रैक्टिस सेट हम डिस्कस कर चुके हैं और इन प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एम विद मधु पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से पहले आप प्रैक्टिस कीजिए उसके बाद इन वीडियो से आप अपने आंसर्स को मैच कीजिए इससे जितने ज़्यादा आप जो पढ़ रहे हो उसको उसके लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जैसे हम क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में पाया जाने वाला हानिकारक अम्ल है ऑप्शंस है निकोटीन एस्कॉर्बिक फॉर्मिक या फिर एसेटिक तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट निकोटीन जो है वो पाया जाता है तंबाकू या तंबाकू जनित पदार्थों में तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देश के सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध पर लगाने हेतु अधिनियम कब लागू किया गया ऑप्शन है आपके दो अक्टूबर 2008, 18 मई 2003, 2 दो अक्टूबर 2003 या फिर 18 मई 2008। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सेकंड, 18 मई 2003 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध पर लगाया गया था तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड क्वेश्चन है भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है ऑप्शन है तंबाकू उपयोग अधिनियम सेकेंड है सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू धूम्रपान प्रतिषेध अधिनियम 2008 थर्ड है सीक्रेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम जिसे कॉटपा 2003 भी बोला जाता है और फोर्थ है धूम्रपान निषेध अधिनियम तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड सीक्रेट व अन्य तंबाकू उत्पाद प्रतिषेध अधिनियम दो फोर्थ क्वेश्चन है राजस्थान में तंबाकू युक्त गुटके आदि के उत्पादन भंडारण व विक्रय प्रतिबंध कब से लगाया गया ऑप्शन है एक जुलाई 2012, 2 दो, दो अक्टूबर 2012 15 अगस्त 2012 या फिर 18 जुलाई 2012 तो राजस्थान में लगाया गया था ये 18 जुलाई 2012 में राजस्थान में तंबाकू युक्त गुटखे के, के उत्पादन भंडारण व विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया था 18 जुलाई 2012 में क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपका रीट लेवल फर्स्ट में 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है एक तरफ आपको वस्त्रों के प्रकार दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन राज्य के नाम दिए गए हैं जहां वे वस्त्र पहने जाते हैं तो फर्स्ट है फिरन फिरन पहना जाता है जम्मू कश्मीर में पानो बाजू दिया है पश्चिमी बंगाल राहिद हिमाचल प्रदेश फुलकारी पंजाब तो इसके बाकी सब सही है जो पानो बाजू है वो पश्चिमी बंगाल में नहीं पहना जाता तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड पानो बाजू क्वेश्चन नंबर सिक्स है निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में उपयोग नहीं लिया जाता ऑप्शन है आपके संगमरमर कोटा स्टोन घिया पत्थर जिसे सेलखड़ी भी बोला जाता है और सेंट स्टोन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड घिया पत्थर यह भी आपका रीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन तो राजस्थान में घरों के फर्श बनाने में घिया पत्थर का उपयोग नहीं किया जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती ऑप्शन है आपके सीमेंट लोहा पत्थर या फिर स्कूटर ये भी आपका रीड लेवल फर्स्ट 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ स्कूटर जो ये आपको हम क्वेश्चंस करा रहे हैं ये आपके ऑफिशियल सेलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपके घर बनाने की सामग्री का भी एक टॉपिक उसमें दिया हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किया नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊन प्राप्त होती है यह भी आपका रीट में पूछा गया क्वेश्चन है ऑप्शन है भेड़ ऊंट एवं या के बालों से भेड़ शेर एवं ऊंट के बालों से ऊंट हाथी खरगोश के बालों से गाय बकरी भेड़ के बालों से तो ऊन प्राप्त जो होती है वो होती है भेड़ ऊंट और याक के बालों से तो एट का सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है बंदर व शेर तथा चूहे के घर क्रमशः है ऑप्शन है घोसला पेड़ गुफा गुफा बिल पेड़ पेड़ गुफा बिल बिल पेड़ गुफा बंदर का क्या होता है बंदर कहाँ रहता है पेड़ पर शेर रहता है गुफा में और चूहा रहता है बिल में तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड तो ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है जो घर का टॉपिक है आवास के टॉपिक में ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी चोगा कहलाता है ऑप्शन है आपके फिरन अंगरखी बुगतरी और अचकन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट फिरन कश्मीरी चोगा जो होता है वो कहलाता है फिरन एलेवंथ क्वेश्चन है कुत्ता मछली यानी कि डॉगफिश का आवास है ऑप्शन है नदी तालाब या फिर झील या समुद्र तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ समुद्र समुद्र आवास होता है डॉगफिश का बारवा क्वेश्चन है सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है ऑप्शंस है सफ़ेद रंग के हल्के नीले रंग के गहरे रंग के या फिर गुलाबी रंग के ये भी जो आपका वस्त्र और आवास नाम से ऑफिशियल सेलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनना अच्छा रहता है तो इसका सही जवाब है गहरे रंग के वस्त्र तो बारह का सही जवाब है ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मियों में पहनने हेतु तो सर्वाधिक आरामदायक वस्त्र होते हैं ऑप्शन से आपके सूती हल्के रंग के फर्स्ट और सेकंड दोनों या फिर टेरिलीन के तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड यानी कि सूती और हल्के रंग के वस्त्र हमें गर्मियों में पहनने चाहिए तो थर्टीन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरीवूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि है ऑप्शन है हाथ से साबुन से धोना वॉशिंग मशीन में वॉशिंग पाउडर द्वारा या फिर ड्राई क्लीनिंग कराना या फिर उपरोक्त सभी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड ड्राई क्लीनिंग कराना नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर चाय का दाग लगा हुआ हो तो उसे हटाने के लिए प्रयुक्त करना चाहिए ऑप्शन से आपके ग्लसरीन सुहागा या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों और ऑप्शन फोर्थ है साबुन तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड यानी कि ग्लसरीन और सुहागा इनका प्रयोग करके कपड़ों से चाय का दाग हटाया जा सकता है फिफ्टीन का सही जवाब है ऑप्शन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के प्रमुख पावरलूम सेक्टर स्थित है ये भी आपका एक टॉपिक दिया हुआ है आपके ऑफिशियल सेलेबस में जिसमें हस्त करघा और पावरलूम का एक टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है तो इसमें ऑप्शंस है सेलम तमिलनाडु में मदुरई तमिलनाडु में सोलापुर महाराष्ट्र में या फिर सभी तो ये जो सभी है ये सभी पावरलूम सेक्टर है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ सेवेंटीन क्वेश्चन है गर्म सूट पैंट कोट गोटा किनारे के कामयुक्त महंगी साड़ियां आदि धोने की सर्वोत्तम विधि है ऑप्शन आपके वॉशिंग मशीन में ईजी से धोना डिटर्जेंट पाउडर को पानी में मिलाकर उसमें डालना ड्राई क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग यानी कि सूखी धुलवाई कराना और फोर्थ है साबुन से धोना ये हमें सब सभी को पता है इसका आंसर इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ड्राई क्लीनिंग कराना और हम कराते भी है जो गोटा पत्तियों की साड़ियाँ होती है कॉट पेंट होते हैं महंगे कपड़े होते हैं उनकी अक्सर हम ड्राई क्लीनिंग ही करवाते हैं तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड एटींथ क्वेश्चन है उन्हीं वस्त्रों में गर्मियों में कीड़े न लगे अतः उन्हें सुरक्षित रखने हेतु तो उनमें किस पदार्थ की गोली रखी जाती है ऑप्शन है नमक की पारद की नेफ्थलिन यानी कि कपूर की या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड नेफ्थली यानी कि कपूर की गोलियां उसमें रखी जाती है ताकि कपड़ों में कीड़े ना लगे नाइनटीन क्वेश्चन है बैया रहती है ऑप्शन आपके घर में दबड़े में बिल में या फिर घोंसले में तो इसका सही जवाब है ऑप्शन फोर्थ घोंसले में ये जो वस्त्र एवं आवास का टॉपिक है ये उसी से रिलेटेड है ट्वेंटी और लास्ट क्वेश्चन है टूड्रा प्रदेश के निवासियों के आवास कहलाते हैं ऑप्शंस है कॉल ट्यूपिक इग्लू या फिर घर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन थर्ड इग्लू टूड्रा प्रदेशों के जो लोग हैं वहाँ के निवास स्थल होते हैं इग्लू तो यहाँ आपके ट्वेंटी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं अब देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे लास्ट वीडियो में पूछा गया था उसका आंसर बहुत लोगों ने इसका सही जवाब दिया क्वेश्चन है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है ऑप्शन है श्रावण बैसाख चैत्र या फिर भादपद यानी कि भादों में तो जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है श्रावण महीने में तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट श्रावण में अब देखते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान में घुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है ऑप्शन है श्रावण शुक्ल अष्टमी को श्रावण कृष्ण अष्टमी को चैत्र कृष्ण अष्टमी को या फिर भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें